नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी वो इसलिए है, जो बच्चे हैं काफ़ी दिनों से हमारे पास कमेंट आ रही थी कि देखिए सर कुछ ऐसी वीडियो बनाई आफ्टर 10th के लिए, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए आफ्टर होने के लिए। और जो खुद एक पेरेंट हैं, गार्जियन हैं, या फिर कोई बड़ा भाई है, या फिर उनके कोई छोटे हैं जो अभी भी 10th करके आए हैं, या फिर खुद एक 10th पास आउट स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं 10th के, वो इस वीडियो को ना छोड़ें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, क्योंकि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं आप लोगों के प्यार की वजह से। हाँ तो दोस्तों, आज की सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए ऐसा है, आप लोगों को सबसे पहले जब भी बच्चा 10th क्लास में आता है उसके लिए अप्रोक्सीमेटली पूरे देश भर में ये होता है कि यार एक बहुत ही टफ लेवल की एक क्लास है, सभी मानते हैं। हम भी उन दिनों 10th में थे तो एक बहुत टफ लेवल का क्लास था, स्कूल वालों की तरफ से भी, हमारे लिए भी, हमारे पेरेंट्स के हिसाब से भी, क्योंकि इससे पहले कोई बोर्ड क्लासेस में नहीं होता है। बोर्ड क्लासेस को पार करने के बाद ऐसा लगता है कि एक मानो कुछ अब हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, आप बोर्ड क्लास को पार करने के बाद कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं माना, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रेशर में, जी हाँ यहाँ मैं बात करूँगा पेरेंट्स के प्रेशर में, कई बार बच्चे करते क्या हैं, पेरेंट्स के चलते कि पेरेंट्स खुश होंगे, पेरेंट्स अच्छा बोलेंगे, पेरेंट्स खुश होंगे, पेरेंट्स हमारी सारी बातें मानेंगे, और पेरेंट्स की इन चीज़ों को पेरेंट्स से सोच करके, तो पेरेंट्स के कहने पर चले जाते हैं, उनके उनसे जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं वो वही करते हैं, वो वही स्ट्रीम लेते हैं। जी हाँ, आज की तारीख में मैं आप सभी को बता दूं, जो 2018 का जो रिजल्ट है ऑल इंडिया सीबीएसई का जो रेशो आया है, उसके अंदर 72% जो स्टूडेंट्स थे वो आपके नॉन मेडिकल के थे, और बचे हुए में आपके मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे। तो नॉन मेडिकल का क्रेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है माना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप हर कोई नॉन मेडिकल ही नहीं, हर कोई IITs ही करे, हर कोई बिट जैसे टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स में ही पढ़े, नहीं। क्योंकि एक स्टडी से पता चला है कि आप लोगों को वो करना चाहिए जो आप लोगों के लिए बेहतर है दोस्तों, और यही यही हमारा मकसद है इस वीडियो को बनाने का। और देखिए दोस्तों, अगर आप आज अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए कुछ भी कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कल जाकर के आप खुद खुश हो पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स की खुशी सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है, और आगे चल के जब आप नाकामयाब हो जाएंगे, आप उस काम को कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के बर्डन में जो कि आपको आता ही नहीं है, जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा ग्रो कर पाएगा इन फ्यूचर। जब आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे तो बड़ा नहीं कर पाओगे, और जब कुछ बड़ा ही नहीं कर पाओगे तो क्या पेरेंट्स खुश होंगे? नहीं होंगे, पेरेंट्स और दुखी होंगे ये सोच करके कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ घूम फिर के बर्डन आप पर ही आना है। तो काम वो करें जो आपको अच्छा लगे। हाँ रही बात स्ट्रीम्स की, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, माइंड अच्छा चलता है, लर्निंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, तो आप लोगों को मैं एडवाइस दूंगा कि आप लोगों को आर्ट्स ही लेना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स एक ऐसी लाइन है जिसमें हाँ हो सकता है कि आप लोगों की अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है, वो थोड़ी बहुत वीक हो, तो आर्ट्स आपको पूरा सपोर्ट करेगी। यूपीएससी के जैसे टॉप लेवल के जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं उनमें आर्ट्स में बहुत फायदा होता है, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस सभी आर्ट्स वाले होते हैं। और वहीं अगर बात करें हम कॉमर्स की, कॉमर्स में अगर आप लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी है, फेस कटिंग अच्छी है, और सब काम अच्छा करते हैं, और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करना चाहते हैं, देश विदेश में घूमने का शौक है, तो आप सभी को कॉमर्स लेना चाहिए। अगर इसमें से एक भी चीज़ आप लोगों की मैच करती है तो आपको वही चीज़ लेनी चाहिए। और तीसरी अगर मैं बात करूँ साइंस की, साइंस में स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जो कि वाकई में मन में डॉक्टरेट टीचिंग या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को लगाव कहीं ना कहीं करते हैं, उन बच्चों को ही मेडिकल और नॉन मेडिकल या फिर साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है अगर आपके बड़े आपको कुछ बर्डन करके फोर्स करके। इससे मूवी भी बनी है, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। काफ़ी मेरी जो उम्र है, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, 5 से 6 साल हो चुके हैं मुझे 10th पास किए हुए, मैंने काफ़ी दुनिया देखी है दोस्तों, मजाक मत समझना, फेस कटिंग भी मत समझना। और दोस्तों एक चीज़ और बता देना, आप सभी किसी भी काम में जब तक मन नहीं लगता जब तक आप उसे अच्छे से ना करते हो। सोचिए सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ना खेल के गोलगप्पे की रेहड़ी खोलता,
क्या चल पाता, क्या कुछ बड़ा कर पाता, नहीं। और अमिताभ बच्चन अगर मूवीज में आने के बजाय अगर अमिताभ बच्चन रेसर बन जाता तो क्या कुछ बड़ा कर पाता, ये किसी मूवी डायलॉग्स जैसे लगने होंगे, लेकिन यही रियलिटी है। आप लोगों को वो करना चाहिए बचपन में, भले थोड़ी सी भी अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज हो या आपका कोई एम रहा हो, आपको वही काम करना चाहिए। इसके लिए और ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे की, और वीडियोज़ जो होंगी बिल्कुल डालेंगे हम आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद दोस्तों, कुछ बड़ा करिए, देश को आप लोगों की ज़रूरत है। युवा देख रहे हैं तो हाथ जोड़ करके विनती है युवाओं से, भाइयों सब कुछ छोड़ दो, गलत काम सारे छोड़ दो, खेल कूद फालतू का छोड़ दो, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, पढ़ लिखना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ो।